तो अब हम हमारे लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं, जो कि है हमारा डिटेक्टर, जहां पर हम डिटेक्टर के बारे में देखेंगे कि एफटीआर के इंस्ट्रूमेंटेशन में किस टाइप के डिटेक्टर यूज होते हैं। तो बेसिकली जो एफटीआर है उसमें 7 टाइप के डिटेक्टर्स यूज होते हैं, और सबका जो है अलग अलग प्रिंसिपल होता है, और सबका अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें 7 टाइप के डिटेक्टर्स है, जिसमें फर्स्ट है बोलोमीटर, थर्मोकपल, थर्मोसिटर, गोले सेल या गोले डिटेक्टर, फोटो कंडक्टिविटी सेल, सेमी कंडक्टर डिटेक्टर और पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट डिटेक्टर से कि उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फर्स्ट डिटेक्टर की, जिसका नाम है बोलोमीटर, या जिसको कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। बेसिकली इसकी जो एक ब्रांच जो होती है या एक आर्म जो होती है, बेसिकली वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो हम समझते हैं कि ये डिटेक्टर किस टाइप से काम करता है। बेसिकली इस डिटेक्टर में 4 आर्म्स होती हैं, जिसमें से जो फर्स्ट आर्म्स है, ये जो 2 आर्म्स आपको दिख रही है, ये रेजिस्टेंस की है, जबकि ये 2 आर्म्स जो है ये बेसिकली मेटल की है, जो कि स्ट्रिप कहलाती है, मेटल स्ट्रिप। अब इसका फंक्शन बेसिकली ये होता है कि इसमें 2 रेजिस्टेंस में से एक रेजिस्टेंस जो होता है फुली कवर्ड होता है, वैसे ही एक मेटेलिक रेफरेंस जो है, ये रेफरेंस स्ट्रिप जो है मेटल की, ये भी फुली कवर्ड होती है। मतलब रेफरेंस और एक आर्म, मतलब एक भुजा रेफरेंस की और एक भुजा मेटल स्ट्रिप की, वो भी रेफरेंस होती है। मतलब एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस और एक रेफरेंस मेटल स्ट्रिप, ये दोनों पूरी तरीके से कवर्ड होती हैं। मतलब इन दोनों का जो टेम्परेचर होता है बेसिकली वो कांस्टेंट होता है। अब होता ये कि यहां पर 2 आर्म्स, मतलब एक रेजिस्टेंस की और एक मेटल की, ये पूरी तरीके से खुली हुई होती हैं, और इन दोनों में ही बेसिकली चेंजेस होता है। मतलब दो, एक रेजिस्टेंस की और एक मेटल स्ट्रिप की, बिल्कुल कांस्टेंट होंगी, ढकी हुई होंगी, कवर्ड होंगी, इसके टेम्परेचर में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जबकि ये रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, और एक होता है इंडिकेटर स्ट्रिप, ये पूरी तरीके से ओपन होती है और इन्हीं के ऊपर चेंजेस होता है। अब बेसिकली इसके प्रिंसिपल में होता ये कि जब ये यूवी रेडिएशन, ये हमारे केस में जो आईआर रेडिएशन है, जब सैंपल से होकर यहां तक पहुंचती है डिटेक्टर तक, तो सबसे पहले वो टकराती है इंडिकेटर स्ट्रिप पे। इंडिकेटर स्ट्रिप पे टकराने पे होता यह है कि जैसे जैसे इंडिकेटर पे जितनी ज्यादा आईआर रेडिएशन टकराती है, तो वहां पर इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, वैसे वैसे इस रेजिस्टेंस का भी, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब होगा ये कि यहां पर 2 चीजें जो है, बेसिकली जैसे जैसे यहां पर जितनी ज्यादा आईआर रेडिएशन इससे टकराएंगी, उतना ज्यादा यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट होगा। उससे होगा ये कि यहां पर एक तरीके से हॉट जोन स्टार्ट हो जाएगा, पूरा हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर हाई एनर्जी लेवल हो जाएगा। जबकि ये दोनों जो कि फुली कवर्ड है, यहां पर कोल्ड एरिया होगा, मतलब यहां पर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगी। कह सकते हैं कि ये ठंडा क्षेत्र हो गया, ये गर्म क्षेत्र हो गया, ये ठंडा है, ये गर्म है, क्योंकि रेडिएशन कंटिन्यूसली यहां पर आके इससे टकरा रही है। तो होगा ये कि जब एक तरह का यहाँ गर्म क्षेत्र और एक ठंडा क्षेत्र स्टार्ट हो जाएगा, तो बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होगा, और उस पोटेंशियल जनरेशन की वजह से गैल्वेनोमीटर में करंट का जनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसमें जो प्रिंसिपल ये होगा कि जितनी ज्यादा रेडिएशन, उतना ज्यादा इसमें हीट जनरेट होगी, और उतना ज्यादा पोटेंशियल जनरेट होगा, और उतना ज्यादा करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब करंट इन और करंट आउट, मतलब यहां ये इन दोनों के जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, यहां पर यूवी रेडिएशन टकरा रही है, रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और उस रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से यहां पर एक हॉट जोन स्टार्ट हो रहा है, इट इज अ हॉट जोन, और इट इज अ कोल्ड जोन, जिस वजह से यहां पर एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और वहां पर करंट का फ्लो हो रहा है। तो इस प्रिंसिपल पे बोलोमीटर जो होता है वो वर्क करता है। अगले डिटेक्टर पे हम बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप
कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।